सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सुबह सुबह का टाइम है और मैं पहुंच गया हूँ सीएनजी स्टेशन। क्यों? क्योंकि गाड़ी के अंदर हो चुकी है सीएनजी खत्म। अगर आप यहाँ पे भी देखें सीएनजी लेवल इज लो। तो पहुंच गए हम सीएनजी स्टेशन नियर बाय अपने घर के, और यहाँ पे आज मैं करने वाला हूँ इसके अंदर 1 किलो का सीएनजी टेस्ट। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो मेरी गाड़ी के अंदर सीएनजी बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और ये ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर से थोड़ा सा कम ही चल चुकी है, 600 किलोमीटर सिर्फ कम है। और पर्सनली बात करूँ अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा है, बट ऑन पेपर्स मैंने कभी भी इसका प्रॉपर सीएनजी माइलेज टेस्टिंग नहीं करी कि भाई 1 किलो में कितना देती है ये। तो वो बहुत से कंसर्न रहते हैं लोगों के, यार 1 किलो में कितना देती है। चाहे सिटी ड्राइविंग में ही आप ये टेस्ट कर दो, हाईवे में तो ऑलरेडी अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी माइलेज ये निकाल के देती ही है। बट सिटी ड्राइविंग में पर्टिकुलरली मेरे ड्राइविंग स्टाइल से क्या माइलेज निकाल के देगी ये 1 किलो सीएनजी के अंदर, वो आज मैं टेस्ट करने वाला हूँ। बेसिकली ये थोड़ा सा टाइम गैप में होगा टेस्ट। मैं सुबह सुबह इसलिए सीएनजी भरवाने आ गया क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी सी भीड़ कम रहती है गाड़ियों की, और टेस्ट में थोड़ी देर बात करूँगा अराउंड 12:30 के करीब। तो मैं सीएनजी का जो यहाँ पे स्विच आपको देखने को मिलता है उसको मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं गाड़ी को पेट्रोल पे ही घर लेके जाऊँगा सीएनजी स्टेशन से। और उसके बाद जब मैं फाइनल निकलूंगा अपनी डेस्टिनेशन के लिए इसको टेस्टिंग के लिए प्रॉपर, तब मैं इसको सीएनजी में स्विच करूंगा। और एक जो इसका ट्रिप ए है जो बेसिकली उसको जीरो करते हुए आपको प्रॉपर इसकी टेस्टिंग आज दिखाने वाला हूं कि क्या ये सिटी में मेरे को 25 से लेकर 26 की माइलेज देती है। और पर्सनली मैंने क्लेम तो किया है, क्या वो रियलिटी में आज निकालेगी मेरे ड्राइविंग स्टाइल से। एसी के साथ, एसी ऑन रहेगा गाड़ी के अंदर, गर्मी का मौसम अभी भी गया नहीं है तो एसी प्रॉपरली ऑन रहेगा, और देखते हैं फिर क्या रिजल्ट निकल के आता है। सीएनजी स्टेशन पे हम आ चुके हैं, फिलिंग वॉल इसकी अंदर की साइड होती है। तो सिर्फ मैं 1 किलो सीएनजी इसके अंदर डलवाऊंगा, देखते हैं कि क्या सीएनजी माइलेज निकल के इसके अंदर आती है। और पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो सीएनजी का रेट इस टाइम पे दिल्ली के अंदर 75 रुपये हो रखा है। तो 1 किलो सीएनजी में टेस्ट करेंगे कि ये कितना चल के देगी और फाइनली क्या माइलेज निकाल के रखती है। तो मीटर चालू हो चुका है, सिर्फ 1 किलो सीएनजी मैं इसके अंदर डलवाऊंगा और देखते हैं फिर माइलेज क्या निकल के आएगी सिर्फ और सिर्फ 1 किलो सीएनजी के अंदर। तो जैसे ही 1 किलो होगी ये जो मीटर है प्रॉपर हम बंद कर देंगे और रिजल्ट फिर देखते हैं इसका क्या निकल के आता है। तो 1 किलो हो चुकी है, मैंने 1 किलो सीएनजी इसके अंदर डलवा ली है, 77 रुपीज़ की आई, स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा। और अभी मैं इसको पेट्रोल पे ही लेके जाऊंगा, 11.5 की हमारी ट्रिप ए है। आपको जब मैं जो इसका माइलेज टेस्ट है वो स्टार्ट करूंगा तो ट्रिप ए को, यही ट्रिप ए को मैं जीरो करूंगा। तो देखते हैं कि फिर तब जाके माइलेज क्या निकल के आती है। बाकी गाड़ी के अंदर 1 किलो सीएनजी आने के बाद कुछ ऐसा दिखता है मीटर, ज़रा सी ही सीएनजी आती है तो सिर्फ 1 किलो से ज़रा सी ऊपर आई है, क्योंकि एग्जैक्टली रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सीएनजी को एकदम से। तो 1 किलो 32 ग्राम के आसपास की सीएनजी आई है, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। तो चलो सीधा मिलते हैं माइलेज टेस्ट की शुरुआत पे। यहाँ पे हम अपना जो चैलेंज है वो बेसिकली उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ट्रिप ए 13.4 से मैं यहाँ पे जीरो कर देता हूँ, और ऑन द सेम साइड यहाँ से मैं सीएनजी स्विच को सीएनजी पे कन्वर्ट कर देता हूँ। गाड़ी सीएनजी पे कन्वर्ट हो चुकी है, 11:33 हो रहे हैं, ट्रिप ए जीरो है, और एसी भी मैं अब ऑन कर देता हूँ क्योंकि वीडियो बनाने के पर्पज़ के लिए बेसिकली मैंने एसी बंद किया था। तो यहाँ पे अब जो है हमारा चैलेंज 1 किलो सीएनजी का वो स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं क्या माइलेज निकल के आती है गाड़ी की और इफ़ेक्टिवली सिटी के अंदर क्या ये टेस्टिंग में माइलेज निकाल के देगी 1 किलो सीएनजी पे। 1500 सीसी का इंजन जो 121 Nm का यहाँ पे टॉर्क निकालता है और आपको काफ़ी अच्छी पावर फिगर्स भी ऑफर कर देता है। तो चलते हैं देखते हैं कितना किलोमीटर ये क्लॉक कर पाती है विद एसी सिटी ड्राइविंग में, जहाँ पे गियर चेंज होते हैं मल्टीपल टाइम। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपके जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी प्रॉपर यूज़ होता है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हाईवे पे चल रही है तो बहुत अच्छी माइलेज निकाल दे। अभी भी उम्मीद मेरी मान के चलो अच्छी है कि अभी भी एक अच्छी माइलेज निकाल के देगी। तो देखते हैं कितनी ये माइलेज निकाल के देती है असल में 1 किलो सीएनजी पे। यहाँ पे मैं एक चीज़ और जोड़ दूँ, रेड लाइट अगर ज़्यादा लंबी है तो गाड़ी मैं अपने हिसाब से गाड़ी ऑफ़ कर देता हूँ। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कोई रेड लाइट पे कार ऑफ करता है, कोई नहीं करता। बट अगर रेड लाइट 1 मिनट से ऊपर की है तो क्यों फालतू में भाई फ्यूल फूकना है। और पर्सनली इतना केबिन कूल रहता है कि आपको गर्मी में बैठने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ जब गर्मी दोबारा लगे तो गाड़ी दोबारा ऑन कर लो। बट पर्टिकुलरली मैं ज़्यादातर जब अकेले होता हूँ गाड़ी के अंदर तो मुझे इतना नीड नहीं लगता कि मैं फ्यूल को बर्स्ट होने दूँ, और उसको मैं कंज्यूम करने के उस वे में गाड़ी को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, क्योंकि आइडल स्टार्ट स्टॉप इसके अंदर नहीं है ये फीचर। तो गाड़ी को मैं
मैं खुद ही अपने आप सेल्फ ऑन और सेल्फ ऑफ कर देता हूँ। ये पर्सन मेरे टू पर्सन है, तो मैंने आपको ये नोट डाउन कर दिया। 22 डिग्री पे टेम्परेचर इस टाइम पे चल रहा है, एसी का ब्लोअर स्पीड भी ठीक ही है, तो देखते हैं ये कितना चलती है। अभी तो 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट इसके अंदर हो ही चुका है और देखते हैं और कितना ये जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ है सिटी ट्रैफिक के अंदर, और इस बम्पर टू बम्पर में अगर ये 20 की माइलेज भी निकाल देना 1500 सीसी का इंजन, तो वो भी इफेक्टिवली अच्छा होगा। बट देखते हैं कि क्या माइलेज निकाल के देती है। 3 किलोमीटर तो चल चुकी है भाई, 2 मिनट की आँख इधर से उधर करो तो भाई गाड़ी टकरा जाए, वो वाला हिसाब किताब है। तो देखते हैं फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आता है। दिल्ली के ट्रैफिक का हाल तो आप सभी को पता ही है क्या होता है क्या नहीं। सो गाइस, ये गाड़ी चल चुकी है 8 किलोमीटर के आसपास, अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये 8 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। अब देखने वाली बात ये है कि और ये कितना मीटर कितने किलोमीटर क्लॉक करेगी 1 किलो सीएनजी के अंदर। एसी चल ही रहा है लगातार, और जाम की हालत मैंने दिखाई, देखो कभी जाम ज़्यादा है तो कभी कम है, बट दिल्ली का हाल यही रहता है। अब जिस रोड पर हूँ उसमें रनिंग ट्रैफिक है, तो उस चीज़ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखने वाली यही बात है कि क्या माइलेज निकल के आती है इस गाड़ी की। ऑल अराउंड अगर मैं बात करूँ मेरे ड्राइविंग स्टाइल से, यहाँ पे मैं माइलेज निकालने के कंसर्न से ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने आइडल वे में, जिस वे में मैं नॉर्मली ड्राइव करता हूँ कार को अपनी, उसी वे में ड्राइव करके आपको बताऊँगा कि मेरी गाड़ी रियलिटी में क्या माइलेज यहाँ पे निकाल के देगी। तो चलते हैं और देखते हैं कि कितने मैक्सिमम किलोमीटर्स क्लॉक करती है 1 किलो सीएनजी के अंदर। सो गाइस, 12 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और 12 के बाद कुछ ज़्यादा सीएनजी नहीं बची। अगर हम डिजिटल वाले को छोड़ के अगर हम मैनुअल मीटर देखें, जो सुई वाला बेसिकली होता है, उसको अगर मैं देखूं तो यार माइलेज के हिसाब से, गाड़ी की माइलेज के हिसाब से पर्सनली अगर मैं बात करूं तो अभी तो सीएनजी इसके अंदर रहनी चाहिए थी, और 12 किलोमीटर तो काफ़ी कम है। मुझे लगता है कि अभी अराउंड 7-8-10 किलोमीटर तो और चलनी चाहिए एटलीस्ट, तब जाके वो इफ़ेक्टिव माइलेज निकाल के देगी 22 की एटलीस्ट सिटी के अंदर, तब तो ये ठीक है। बट अगर ये 18, 19 या 15, 16 के निकाल के दे रही है, तो भाई फिर सीएनजी में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा फूकने का कोई सीन समझ नहीं आता। देखते हैं, यहाँ पे देखो डिजिटल मीटर में बात करूँ मैं तो क्लियरली माइलेज पता चलती ही नहीं है, मतलब ये सीएनजी की जो कैपेसिटी है। और यहाँ पे अगर मैं एनालॉग वाला देख रहा हूँ तो उसमें अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आपको डिसेंट इनफ अभी टैंक कैपेसिटी दिख रही है। बाकी देखते हैं कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। 12 किलोमीटर तो हो चुके हैं और कितना ये आगे चलेगी। जैसे ही मैंने गाड़ी बंद करी रेड लाइट पे, अभी सामने रेड लाइट हो रही है और इसने बोल दिया सीएनजी लेवल इज़ लो, प्लीज़ रिफ्यूल इट अगेन। तो बेसिकली भाई घंटी तो रिजर्व की बज चुकी है इसके अंदर। अब 12 किलोमीटर से ऊपर कितनी चलती है देखते हैं। बाकी देखो पता है ना, कभी कभी प्रेशर का भी होता है, 1 किलो सीएनजी किस प्रेशर में आ रही है वो भी डिपेंड करता है। मैं पर्सनली बात करूं तो हर पेट्रोल पंप का प्रेशर होता है, मैंने प्रेशर नोट डाउन नहीं किया था, तो 1 किलो सीएनजी में वो कितने प्रेशर से इसके अंदर गई है और कितनी 1 किलो के अंदर गैस आई है वो डिपेंड करता है, तो वो चीज़ें होती हैं कभी कभी। बाकी अगर इस बार रिजल्ट सही नहीं लगे तो फिर एक दोबारा टेस्ट करके देखेंगे हम। सो गाइज, यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो गाड़ी चल चुकी है 17 किलोमीटर। बेसिकली अभी क्या हुआ था बीच में कि अचानक से पेट्रोल पे स्विच हो गई थी गाड़ी सीएनजी में चल चलते 16 किलोमीटर के बाद, बट जैसे ही मैं गाड़ी रोक के वीडियो एंड करने वाला था उतने में गाड़ी दोबारा सीएनजी पे हो गई। तो यहाँ पे मुझे जो कंसर्न समझ यही आ रहा है कि गाड़ी के अंदर क्या है ना, 1 किलो सीएनजी में ये पूरी 1 किलो आ नहीं पाती और टैंक ऑलमोस्ट पूरा ही खाली था, उस टैंक के अंदर कुछ था तो था ही नहीं, तो वो 1 किलो के अंदर कुछ ही भरता है। और कुछ में भी क्या वो होता है कि प्रेशर जितना होगा उस हिसाब से 1 किलो गैस उतनी अच्छे से आती है, तो वो डिपेंड करती है प्रेशर। एक मेन एक्सपेक्ट है सीएनजी के अंदर कि अगर आप सीएनजी गाड़ी को खरीद रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई वो एक अच्छा आपको माइलेज देगी, तो माइलेज कंसर्न तभी आपका अच्छे से निकल पाएगा जब गाड़ी के अंदर गैस एक अच्छे प्रेशर के साथ आएगी। मिनिमम प्रेशर जो है वो 200 का होना चाहिए, तभी आपको एक अच्छी माइलेज गाड़ी निकाल के दे पाएगी। बाकी अभी मैं बात करूं, 18 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, मेरा अनुमान ये है कि गाड़ी मेरे को आराम से 20-22 की माइलेज भी अगर सिटी के अंदर दे देना तो मैं ऐसे सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। क्योंकि भाई देखो 1500 सीसी का इंजन, इतनी गर्मी, 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है दिल्ली के अंदर, और उसके अंदर अगर मैं बात करूं गाड़ी आपको सिटी ट्रैफिक के अंदर, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर जिसमें मल्टीपल टाइम्स गियर चेंज हो रहे हैं, और उसके बेसिस पे अगर आपको एक अच्छा इंजन इतनी अच्छी माइलेज दे दे तो ठीक है यार, पेट्रोल से तो बहुत अच्छी है। क्योंकि ग्रैंड विटारा के जो पेट्रोल ओनर्स हैं उनकी तो भाई माइलेज ही 10-12-15 की निकलती है,
और ये सच बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा सिर्फ अपनी सीएनजी गाड़ी की तारीफ करने के लिए, बट ये रियलिटी है कि ग्रैंड विटारा पेट्रोल में उतनी अच्छी माइलेज नहीं दे पाती। हाँ, हाइब्रिड के साथ प्रॉपर स्ट्रॉन्ग अगर हाइब्रिड होगा तो उसके साथ वो दे देगी एक अच्छी माइलेज, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि 19 किलोमीटर तो चलने को ये हो चुकी है, देखते हैं कितना किलोमीटर ये और क्लॉक करती है। बट मैंने आपको ये जो बताया ना, मेन इसका जो फंडा है कि गैस घूमती रहती है सिलेंडर के अंदर, तो अचानक से वो मुझे लगा कि गैस खत्म हो गई है, तो मैंने गाड़ी जैसे ही रोकने लगा उसने अचानक से फिर दोबारा वो सीएनजी पे स्विच हो गई। तो वो सिरा सारा का सारा जो फंडा यहाँ पे है वो खेल है, इसका जो ये स्विचमेंट का खेल है ना, गैस जो सिलेंडर के अंदर घूम रही है, 12 किलो के सिलेंडर के अंदर 1 किलो गैस घूमेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो घपलेबाजी होती है, क्योंकि एंड ऑफ द डे है तो ये सारा इलेक्ट्रॉनिक गेम, वो अपने आप स्विच कर रहा है, अपने आप पेट्रोल पे चल रही है गाड़ी, अपने आप सीएनजी पे स्विच हो रही है, तो उसको सेंस करने में टाइम लगता है कि गैस अभी सिलेंडर के अंदर बची है या नहीं। तो देखते हैं, बाकी तो देखो 19 किलोमीटर हो चुके हैं, अगर ये 1 किलोमीटर भी और चल जाती है, बाकी मुझे उम्मीद है कि ये शायद 25 भी क्रॉस कर जाए, क्योंकि मैंने अपना हिसाब एक लगाता हूं ना, जो मैं टैंक टू टैंक चलता हूं उसमें मेरे को ये 25 की माइलेज देती है, तो वही मैं देखना चाहता था कि क्या ये 1 किलो में भी 25 की माइलेज दे रही है या कितने की दे रही है रियलिटी बेसिस में। तो वो चीज़ आज मैं टेस्ट करी, मैंने सोचा कि चलो आज 1 किलो ही डलवाई जाए, इसलिए मैं सुबह सुबह गया था सीएनजी भरवाने, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है तो भाई मन नहीं करता 1 किलो सीएनजी टेस्ट डेली बेस पे करने के लिए, इसके लिए टाइम। और गाइस यहाँ पे अगर हम देखें तो 21 किलोमीटर चल चुकी है, ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर ये चलने को है, और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको तो जो ये डिजिटल मीटर है इसके अंदर वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर गया है, और ब्लिंक जो जब भी ये करता है ना तो बेसिकली जो इसकी सीएनजी है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होती है और कभी भी पेट्रोल पे शिफ्ट हो सकती है। मैं बात करूं 2-3 किलोमीटर या 4-5 किलोमीटर, डिपेंड करता है कितने इसके अंदर टैंक के अंदर कैपेसिटी बची है, तो वही देखने वाली अब बात है। देखो 22 किलोमीटर चल चुकी है और 22 किलोमीटर के हिसाब से भाई देखो सिटी के अंदर बहुत अच्छी माइलेज है, मुझे पर्सनली कोई दिक्कत नहीं लगी इसकी इस माइलेज में। अगर ये 22 की माइलेज भी देती ना तो भी मैं बहुत अच्छे से सैटिस्फाइड था इसकी माइलेज से, क्योंकि पर्सनली मैं बात करूं तो यार 1500 सीसी जैसा इंजन अगर आपको 22 की माइलेज दे तो कोई बुराई नहीं है सिटी के अंदर इतनी बड़ी गाड़ी को चलाने के लिए, और जब आपको एक अच्छे प्राइस रेट पे सीएनजी मिल रही हो दिल्ली जैसे शहर के अंदर जहाँ पे आपको 74-75 रुपए की सीएनजी मिल रही हो, और इसके अंदर मैंने 77 रुपीस की सीएनजी डलवाई थी, तो कैलकुलेट करके भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने रुपए का क्या हिसाब बैठता है एंड में, कि 77 रुपीस में ये कितने किलोमीटर क्लॉक करती है, क्योंकि 1 किलो से तो थोड़ी सी ऊपर ही डली थी इसके अंदर, और वो कुछ ग्राम ही डली थी, ऐसा कोई मेजर नहीं था कि 2-3 किलो डली हो, ना सिर्फ 1 किलो 49 के आसपास ऐसी कुछ थी। तो मैं वो बाकी तो स्क्रीन पे मैंने डाल दिया था, पीछे भी अभी भी मैं डाल दूंगा, एग्जैक्ट वैल्यू तो मेरे को भी याद नहीं है, बट 23 किलोमीटर ये प्रॉपरली क्लॉक कर चुकी है, और मैं बात करूँ मैं इसकी माइलेज से बहुत ही अच्छे से सेटिस्फाइड हूँ, कि अगर ये 1 किलो में 24-25 भी चल जाते हैं, 2-3 किलोमीटर भी अगर ये और निकाल देती है, तो भाई जो कंपनी क्लेम कर रही है ना माइलेज 1 किलो में सीएनजी के अंदर 26 की माइलेज सिटी के अंदर, वो बहुत अच्छी माइलेज क्लेम कर रही है, और अगर ये 26 भी चल जाती है तो मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ इसके साथ, क्योंकि हाईवे के ऊपर ये मेरे को 35 के प्लस माइलेज दे रही है निकाल कर, तो आप मान के चलो कि यार कितनी फ्यूल इफिशियंट कार है ये अपने आप में। तभी ग्रैंड विटारा ने क्रेटा को सीधी सीधी टक्कर दी आने वाले टाइम पे, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो मैं क्लियरली बता सकता हूँ आपको कि इसी के रीजंस की वजह से ग्रैंड विटारा एज अ कार इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है, कि पेट्रोल में तो वो माइलेज दे ही रही है, बट अगर मैं बात करूँ सीएनजी के अंदर जहाँ पे आपको 100 किलो का टैंक भी देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर पीछे, उसका भी अपना वेट होता है, उसमें सीएनजी भी डलती है, ऑल अराउंड में अगर बात करूँ तो उस दौरान अगर यहाँ पे हम बात करें तो काफ़ी अच्छी माइलेज निकाल के दे रही है, 24 किलोमीटर ऑलमोस्ट होने वाले हैं गाड़ी के अंदर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 24 किलोमीटर के बाद तो भाई बल्ले बल्ले ही है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो ये देखते हैं बाकी तो एंड तक कितनी चलती है कितनी नहीं, क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन भी आने ही वाली है, और देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आता है। बाकी तो भाई सेटिस्फैक्शन तो है ही है, अब कोई टेंशन नहीं, 24 किलोमीटर ही चल चुकी है, 26 की माइलेज क्लेम करती है कंपनी, अगर ये 25 भी चल जाती है, 2 किलोमीटर अगर और चल जाती है तो काफ़ी अच्छी माइलेज ये दे देगी। बाकी जैसे ही माइलेज सीएनजी खत्म होती है मैं आपसे मिलता हूँ दोबारा से। भाई यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना तो 25.5 किलोमीटर चल चुकी है, सीएनजी अभी भी बची, अभी मैंने जस्ट गाड़ी रोकी है किसी काम की वजह से, बट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ
तो भाई ये टेस्ट जो ग्रैंड बता रहा है वो मेरी मेरे बेसिस पे मेरे थिंकिंग के हिसाब से पास कर चुकी है। मेरे को 25 की माइलेज चाहिए थी, इससे मेरे को 25 की वो दे रही है। अब इसके ऊपर वो जितने की भी दे मुझे कोई लालच खास नहीं है, बट हाँ अगर 1 किलो में 25 किलोमीटर चल रही है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली मैं बोलूँ अच्छा है। सो गाइज मोमेंट ऑफ ट्रुथ ये निकल के आया कि जैसे ही 26 किलोमीटर गाड़ी के हुए उसी टाइम गाड़ी CNG से पेट्रोल पे स्विच हो गई। 2-3 मिनट मुझे लगे हैं बस गाड़ी को साइड में लगाने के लिए। तो आप देख सकते हैं 26.3 किलोमीटर ये चली और एग्जैक्ट 26 किलोमीटर पे ये गाड़ी जो है वो CNG पे जो थी वो पेट्रोल पे स्विच हो गई। और जो कंपनी ने 1 किलो की माइलेज निकाली है बताई है कि स्टैंडर्ड माइलेज जो कंपनी दे रही है बताती है और दावा करती है कि भाई 1 किलो में 26 किलोमीटर चलेगी, तो वो भाई बिल्कुल सही बात है और सच है कि जो मेरी गाड़ी है वो 1 किलो CNG के अंदर 26 किलोमीटर चल चुकी है। भाई फाइनल रिजल्ट यही निकल के आता है कि अगर आपके पास एक ग्रैंड विटारा है जो 1500 cc का इंजन ओन करते हो आप ग्रैंड विटारा के अंदर, जो डिसेंट इनफ आपको पावर फिगर्स भी देती है, और माइलेज की बात करूँ तो सिटी के अंदर आपको 1 किलो CNG में 26 की माइलेज निकाल के देगी, जिसमें मैंने CNG 77 rupees के डलवाई थी। 2 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए हो गए थे क्योंकि भाई सिंपल सी बात है एग्जैक्ट 1 किलो डालना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि सडनली रोकनी पड़ती है CNG। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो 1 किलो के अराउंड ये 26 किलोमीटर के अंदर चली गाड़ी और काफ़ी अच्छी माइलेज निकाल के दी। तो इस नोट पे ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और भी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने अपने चैनल पे पब्लिश कर रखी हैं ग्रैंड विटारा से रिलेटेड, और ऑलमोस्ट 5000 किलोमीटर्स भी क्लॉक कर चुका हूँ मैं इस गाड़ी के साथ। 4500 तो हो ही चुके हैं, 500 किलोमीटर्स बचे हैं सिर्फ। तो वो चीज़ें हैं कि ऑलमोस्ट कार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, माइलेज अच्छा दे रही है, कंफर्ट अच्छा दे रही है, एसी बहुत अच्छा है 40 डिग्री टेम्परेचर में दिल्ली के, तो ऑल अराउंड पैकेज बहुत अच्छा है इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलता है। और आज जो एक कंसर्न मेरा था कि 1 किलो में कितना चलेगी भाई, तो 1 किलो में 26 की जो माइलेज है जो कंपनी देती है क्लेम्ड माइलेज वो ये क्रैक डाउन कर लेती है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और इस नोट पे इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।